चांसलर, हनी तुम ठीक तो हो ना? कुछ ठीक नहीं है यहाँ गौंजा। मैं यहाँ आई तो देखा हमें घर छोड़ना पड़ रहा है। ओह डियर, आई एम सो सॉरी। फिर क्या किया, नई जगह मिली क्या तुम्हें? कोई नई जगह नहीं है, सिर्फ एक रूम, सामान स्टोरेज में है। उफ यार, और कोई रास्ता नहीं था क्या? मकान मालिक को इतनी जल्दी थी तुम्हें घर से निकालने की? पता नहीं यार, कर भी क्या सकते थे। मॉम यहाँ अकेली थी और उनके साथ देखो ना ये सब हो गया। अगर यहाँ पर शुक्रान आंटी नहीं होती तो मॉम के साथ क्या होता मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। बहुत बुरा हुआ, एमएल आंटी परेशान होंगी। हाँ ऑफ कोर्स, उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मेरी मॉम मुझसे बहुत निराश होंगी। मैं वहाँ पैसे कमाने गई थी पर कुछ नहीं कर पाई, अब ना जॉब है ना घर। अरे नहीं यार प्लीज ऐसा मत बोलो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है गौंजा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं मॉम को छोड़कर इतने दूर पैसे कमाने गई थी पर कुछ नहीं हुआ, मैं वापस घर आना चाहती थी, अब घर ही नहीं बचा। ऐसा हो जाएगा किसी को क्या पता था यार, सबके ड्रीम्स होते हैं। हाँ उन दोनों इडियट्स ने सब बिगाड़ दिया। रहने दो, उनके बारे में सोचना भी नहीं है। सही कहा, पर देखना हमने कितने मजे किए, स्पेशली तुमने, तुम्हारे लिए तो वो पूरा ही एडवेंचर ही था। हाँ सच में, मुझे अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा था कि मेरे साथ वहाँ कितना कुछ हुआ, पर फिर भी मैंने बहुत मजे किए। सब कुछ मजेदार होता तो इंटरेस्टिंग नहीं होता ना। अब आयरदम को ही देख लो, वो मेरे साथ ऐसा करेगा मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। ओ हाँ यार, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। जाने दो यार, बहुत बातें हो गई उसकी, अब तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें काम भी जरूर मिलेगा, भरोसा रखो। तुम्हारी मॉम के पास जॉब है ना, और तुम्हें रहने के लिए जगह भी मिल गई है, नई जगह भी मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। यार मेरा बचपन गुजरा है वहाँ पर, मेरे डैड की यादें हैं वहाँ पर, वो मेरा और मेरी मॉम का घर था। वो महल चाहे जितना भी बड़ा हो पर मेरे घर जैसा कभी नहीं हो सकता। मैं समझ सकती हूँ यार, पर तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है और डैड भी हमेशा साथ रहेंगे, ये सब सोचना छोड़ दो। और एमएल आंटी है ना तुम्हारे साथ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे पास कोई तो है, पर मुझे देखो, मेरे बड़े भाई के अलावा मेरा और कोई नहीं है, मुझे तो मेरे मॉम डैड याद भी नहीं है। I'm so sorry यार, तू बिल्कुल अपसेट मत हो, हाँ तू सही है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, हम हार नहीं मानेंगे, हम सब कुछ हैंडल करेंगे, ठीक है? ये हुई ना बात। यार मैं खुश हूँ कि हमने आज बात की, पर ना मैं तो पागल ही हो जाती। यार मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। एनीवे, कल हम क्या करने वाले हैं? जॉब ढूंढेंगे और क्या? अच्छी बात है, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो। अब क्या करें, चलो वॉक पर चलते हैं। हाँ। Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.